ये तुम जो लोगों को सुबह से लेकर शाम तक बेवकूफ बनाते हो ना, तुम्हें अब बताएंगे हम। तुम्हारा आईपी एड्रेस पूरा मेरे पास आ। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। ऑनलाइन फ्रॉड के 5 नए तरीके आ गए हैं, जिसे जरूर देख लेना, वरना कब आपके मोबाइल के द्वारा आपके अकाउंट से लाखों रुपए निकल जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या आपके मोबाइल पर भी वर्क फ्रॉम होम के ऑफर आते रहते हैं, या फिर क्या कभी आपके ऑनलाइन वॉलेट पर किसी ने पैसे भेजकर वापस मांगे हैं? या सड़क पर मजबूर लोगों को एक फोन कॉल करने के लिए आप उन्हें अपना फोन दे देते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं, तब तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि आजकल होने वाले फ्रॉड के नए तरीके हैं, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा नॉर्मल होते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते और उनका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। आप इन सब चक्करों में ना पड़े, इसलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको फ्रॉड के कुछ ऐसे नए तरीके बताने वाला हूँ, जिनसे आपको पक्का बचकर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। वर्क फ्रॉम होम का लालच। दोस्तों जब से कोरोना काल आया है, तब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भारत में बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। हर कोई ये चाहता है कि बस घर बैठे काम मिल जाए और कहीं भी इधर उधर ना जाना पड़े, और लोगों की इसी चाहत का साइबर फ्रॉड करने वाले बड़े जोरों शोरों से फायदा उठा रहे हैं, जहां घर से काम करने की सुविधा और बस कुछ घंटे काम करने के लिए हजारों रुपए देने की लालच देकर लोगों को फंसाया जा रहा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बाकायदा ऑफर लेटर देखकर लोगों से काम भी करवाया जाता है, कुछ ही दिनों की सैलरी भी दे दी जाती है। जब इंसान को विश्वास हो जाता है कि यार मेरा ऑफिस तो वाकई में वर्क फ्रॉम होम करवा रहा है, ये लोग पूरी तरह से सच्चे हैं। ऐसे में जब बंदा लोगों के झांसे में पूरी तरह फंस जाता है, तो किसी भी बहाने से उल्टे पैसे लिए जाते हैं, और एक बार अगर पैसे दे दिए तो उसके बाद आपका जो वर्क फ्रॉम होम वाला ऑफिस है वो चुटकियों से गायब हो जाएगा। ना ऑफिस बचेगा, ना आपका बॉस कहीं नजर नहीं आएगा, और जिसने आपके पैसे लिए होंगे उसका तो दूर दूर तक फोन भी नहीं लगेगा। यानी कि कुछ दिनों तक बेवकूफ बनाकर आपको 2-3 हजार दे दिए जाएंगे और फिर लाखों रुपए आपसे लूट लिए जाएंगे। इसलिए अगर आपका सामना किसी भी ऐसे ऑफर से हो तो सोच समझ कर आगे बढ़े, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय से पैसे तो मांगेगी नहीं, और अगर ऐसा कोई करती है तो बेरोजगार रहना सही है भाई, लेकिन फ्रॉड का शिकार होना नहीं रहेगा। वॉलेट में पैसा भेजकर। दोस्तों अपराधियों ने लोगों को बेवकूफ बनाने का ये एकदम नया तरीका निकाला है। कहीं से भी आपके वॉलेट में यानी कि आपके डिजिटल यूपीआई वगैरह पर 100 या फिर 1000 रुपए भेजे जाएंगे, इसके बाद आपके पास फोन आएगा और फिर रोना धोना चालू। किसी जरूरत को बताकर आपसे वो पैसे वापस करने की मांग की जाएगी। अगर आपने बात मान ली तो फिर लिंक या कोड के जरिए वापस पैसे मांगे जाएंगे, और आगे क्या होगा ये तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको 100 रुपए भेजे जाएंगे और आपसे कोड के जरिए 1000 रुपए मांगे जाएंगे। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार आपको पैसे भेजने के बाद जब वो आपसे किसी लिंक पर क्लिक करवाते हैं तो आपका पूरा फोन हैक हो जाता है, और फिर पैसे कैसे फोन से गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर कोई गलती से भी आपके फोन में पैसे भेज दे तो उससे कहें कि लीगल प्रोसेस फॉलो करें, मैं पैसे नहीं भेजूंगा। फिल्म रिव्यू करो और लाखों कमाओ। दोस्तों ये इतना महीन तरीका है कि अच्छे अच्छे गच्चा खा जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के जरिए आपसे संपर्क किया जाता है, काम बस फिल्म का रिव्यू करना है। ग्रुप में कई लोग अपने कमाई का स्क्रीनशॉट भी डालते हैं, और शुरुआत में तो आपको पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन जब भरोसा कायम हो जाता है तो फिर एक दिन में डबल पैसे का लालच या किसी और तरीके से आपसे पैसे लिए जाते हैं। ये सब कुछ फर्जीवाड़ा है, इससे एकदम दूर रहे। YouTube वीडियो लाइक करने का बोलकर इस तरह के कांड हो रहे हैं। अब बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी इंसान इस बेरोजगारी वाले दौर में आपको कम मेहनत में ज्यादा पैसे देने के लिए कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला है, और उस गड़बड़ घोटाले के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लालच सही में बुरी बला है। पार्सल कैंसिल करना है तो OTP दे दो। दोस्तों ये फ्रॉड करने का तरीका तो सच में बड़ा कमाल का है, जिसमें आपके घर के दरवाजे की घंटी बजती है और एक आदमी आपके सामने खड़ा होगा। जब आप पार्सल देखेंगे तो आप कहेंगे ये मेरा नहीं है, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया। डिलीवरी वाला इस पर कहेगा ठीक है कैंसिल कर देता हूँ,
बस आपके पास एक OTP आया होगा, वो शेयर कर दो और आप बिना सोचे समझे ऐसा कर देते हैं। अब OTP से क्या होता है ये तो हम सभी को पता है, क्योंकि उसके पास आपके अकाउंट और आपकी पर्सनल डिटेल्स पहले से मौजूद रहती है। बस उसको जरूरत होती है OTP की, वो आप उसे दे ही देते हैं। फिर क्या, जैसे आप उसको OTP देते हैं, पार्सल वाला तो आपके घर के सामने से चला जाता है और जैसे ही वो आपकी आंखों से ओझल होता है उतनी देर में आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी गायब हो जाते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी पार्सल से दूर रहें। अगर कोई आपको पार्सल देने आता है और आपने वो ऑर्डर नहीं किया तो उसको बोल दे ये मेरी अडक नहीं है, मैं कोई OTP नहीं दूंगा। पर अगर कोई जबरदस्ती करता है तो आप पुलिस को भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला आदमी फ्रॉड है, पुलिस का नाम सुनते ही वो 9-11 हो जाएगा। एक फोन कॉल बनता है अकाउंट का कॉल, अरे मेरा फोन बंद हो गया, खराब हो गया या फिर चोरी हो गया, बस एक फोन कर लेने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये आजकल बहुत ही नॉर्मल तरीका है फ्रॉड करने का। जिस देश में फोन कॉल्स मुफ्त है वहाँ फोन करने के लिए भला कौन मना करेगा, और इसी चीज का फायदा उठाकर धोखेबाज अपना उल्लू सीधा करते हैं, जहाँ बातों बातों में आपके फोन में कुछ नंबर डायल होते हैं, फिर आपका नंबर किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाता है, और फिर इसके बाद क्या क्या होता है ये अपराधी के मूड पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का अपराधी है। इसलिए किसी को भी अपना फोन देने से पहले सोच लेना। पहली बात तो है, कभी किसी को फोन ही ना दें। अगर किसी को कॉल करनी होगी तो कोई और तरीका निकाल लेगा, आपको बीच में फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ज्यादा ही मजबूर नजर आ रहा है तो उसे पुलिस के पास ले जाएं, शायद उसकी कोई मदद हो जाए। लेकिन किसी को फोन देकर या फिर किसी के द्वारा बताए गए नंबर को डायल करके आप फ्रॉड के चक्करों में मत पड़े, वरना अच्छे अच्छे लोग इस चक्कर में घन चक्कर बन चुके हैं। दोस्तों ये है फ्रॉड करने के कुछ नए तरीके जिनके झांसे में आपको नहीं पड़ना चाहिए, और आपके आसपास के लोग भी इन सब चीजों से सतर्क रहे। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ये वीडियो बड़ी काम की है। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।